कार्यवाल में करोड़ों रुपए की लागत से पूरी फैक्ट्री सोलर सिस्टम पर शिफ्ट कर दी। सोलर सिस्टम लगाने से महाना कितने लाख का बिल बचता है, सोलर सिस्टम पर फैक्ट्री शिफ्ट करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सोलर सिस्टम लगाने का आपके जहन में आइडिया कैसे आया? जी, इसका मैं आपको यही जवाब दूंगा कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी तो ज़ाहरी बात है कि बिजली भी साथ साथ महंगी हो रही थी, तो हमने उसको अपनी कास्ट को नीचे लाने के लिए उसको प्लानिंग की, वर्किंग की कि इसको कैसे नीचे लाया जाए। तो उसका एक ही हल नज़र आ रहा था कि हमें सोलर पर शिफ्ट होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये ग्रीन एनर्जी है, इससे माहौलियात नहीं ख़राब होती, तो इसकी वजह से भी हमने इस पर शिफ्ट होने का सोचा। अच्छा सर, ये जो आपकी सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं, ये तादाद में कितनी और प्लेटों का साइज़ क्या है? जी, ये तकरीबन 1000+ प्लेटें इस वक्त इंस्टॉल हैं हमारे पास और ये 550 किलोवाट की एक प्लेट है। अच्छा, आपने इस पे प्रोजेक्ट पे कितना एक्सपेंस किया, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? ये इन्वेस्टमेंट का अंदाज़ा तो इस तरह लगाएं कि 550 किलोवाट की एक प्लेट है और 1000+ प्लेटें हैं और ये हमें कॉस्ट किया था तकरीबन 65 रुपीज़ पर वाट। तो ये तकरीबन कैलकुलेशन आप बना लें, ये 1000+ प्लेटों की कितनी बनती है, यानी ऑलमोस्ट ये करोड़ों में इन्वेस्टमेंट जाती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने कितने साल पहले लगाया था? ये इसे अभी लगाए हुए तकरीबन हमें 6 से 7 मंथ हुए हैं। अच्छा सर, बिजली आपकी सोलर सिस्टम से पहले जो बिल आता था वो कितना था और अब किस तरह आ रहा है? जी देखें जी, एक फ्लोर मिल है, इसका बिल तकरीबन लाखों में आता है, तो ये 80 से 90% मेरा बिल कम हो गया इस वक्त इसका। अच्छा, बिजली बिल को तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो गया, लाखों में हो गया, मंथली आपको फ़ायदा होगा, एनुअली करेंगे तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बनती है। अब मुझे बताएं आप इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, बिजली आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल कैसे होती है, दिन में इस्तेमाल कैसे करते हैं, रात में कैसे करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, ये सोलर के साथ नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है, तो वो नेट मीटरिंग मैंने ऑन करवाई है इसकी, एक नेट मीटर ग्रीन मीटर लगाया है वापडा वालों ने, तो जितनी बिजली प्रोडक्शन हो रही है सबसे पहले वो हमारी फैक्ट्री यूज़ कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो सरप्लस होगी उसके यूनिट्स वापडा को चले जाएंगे और उसके बदले में हम रात को वापडा से यूनिट्स ले लेंगे, यानी कि यूनिट्स का तबादला होगा हमारा वापडा के साथ। मतलब दिन में आप अपनी इस्तेमाल करते हैं, रात को वापडा से वही आप एक्सचेंज करते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह है। अच्छा सर, अक्सर औकात बंदा पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो एक्सपेंस होते हैं वो बड़ी तकलीफ देते हैं, तो आया कि सोलर पे आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट है या उसके बाद इसको मेंटेन करने का क्या प्रोसेस है? जी ये बिल्कुल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इसके ऊपर और कोई ऐसी मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ इसको वॉश करवाने के लिए आपको लेबर चाहिए जो इसको यानी कि वॉश करे, तो वो तो हमारी जो फैक्ट्री के लेबर है वही इसी को वॉश कर लेती है। तो इसके ऊपर और इसकी जो लाइफ है वो 25 साल तो इसकी कंपनी वारंटी देती है कि 25 साल सही वर्क करेगा, अगर उस दौरान कोई ख़राबी आती है तो वो कंपनी के ज़िम्मे है, वो सोलर प्लेट को चेंज करके देगी और इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो वो भी कंपनी की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, कोई भी काम हो उसमें मुश्किलात होती हैं, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो आपने करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाया तो डेफिनेटली इसमें मुश्किलात होगी, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, कोई भी काम बंदा करता है तो मुश्किलात तो आती हैं, तो सबसे पहले हमें मुश्किल फेस करना पड़ी जगह की, क्योंकि इसके लिए जगह ज़्यादा दरकार थी, तो फैक्ट्रियों में जाहिर सी बात है इतनी जगह नहीं होती, तो उसके लिए हमने ये लोहे का शेड लगवाया, शेड के ऊपर प्लेटें इंस्टॉल की। दूसरे नंबर पे इनको इंपोर्ट किया चाइना से, तो वो एक मुश्किल मरहला था, उसमें कुछ टाइम भी दरकार लगा और कुछ मुश्किलें भी देखनी पड़ी, तो बहरहाल ये मुश्किलात फेस करने के बाद वन टाइम आपको एक मुश्किल फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर वो बाद में आपको एक वो रिलीफ है आपके लिए कि आपका सारा काम सीधा हो जाता है। अच्छा, आपने तो अपनी फैक्ट्री के लिए ये इन्वेस्टमेंट की, अगर इसको बतौर इन्वेस्टमेंट अगर हम यूज़ करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, तो आप मेरे नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे, तो ये कैसा आइडिया है? जी मेरे ख्याल से ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, जैसे आप एक कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सोलर भी एक बिज़नेस हमने किया है कि इससे जो बिजली पैदा हो रही है हम अपनी फैक्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक इसको अलहदा बिज़नेस के तौर पे भी देखा जा सकता है। और हाँ, अगर कोई शख्स गवर्नमेंट साथ दे तो और वो सोलर इंस्टॉल करके
लोगों को सप्लाई देना शुरू कर दे तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए।